हम गुरबत से परवान चढ़े ना तो हमने खुशियां बहुत देखी है। हमें पहले तो मैट्रिक करने पर साइकिल मिली लेके घूमना, फिर FSC की तो अबू ने बाइक ले ली, फिर बाइक पे घूमना, फिर जनाब बड़ी मेहनत की तो अपनी छोटी सी मेहरान ली, वो माशाल्लाह चलती कम थी रुकती ज्यादा थी, तो वो ग्रो करते ना तो आप खुश होते। कहते पहले मेहमान आते तो आपको पता मेहमान आ रहा है तो घर में पैप्सी आनी है, तो बच्चे सारे ने हंसना मेहनत। अब हमारे बच्चे उठे बैठे पेप्सी पी पी के उनके लिए ना खुशियां खत्म हो गई। पहले आपके और मेरे बचपन में हमारे ईद पे ही कपड़े बनते होंगे कि जी ईद पे बने नए कपड़े, खुशी होती थी और सवेरे रात को नींद नहीं आती थी। हमारे बच्चे उनको कोई खुशी नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊँ क्यों, रोज से कपड़े खरीद रही, वो ईद के कपड़े वाला चाव ही खत्म है कि नए पहनेंगे नई जूती ले रही, हर दूसरे दिन तो जूती ले रही है जाके, तो उनकी खुशियाँ खत्म हो गई। हाँ मुझे याद आया था कि रात उठ कर देखना कपड़े रात के और सुबह जो आप यानी सबसे ज्यादा पैसे आपको ईद में ही मिलने हैं कि ₹10 तो बच्चों को खुशी। आप देखो आप कभी बोर नहीं होते, कभी बचपन में तो मैं सुना कि मैं बोर हो रहा हूँ, दौड़ के पागल गलियां चल जाने, अब बच्चे जो वो घरों में बैठे हाथों में गैजेट है दो घंटे चल रहे बहुत बोरी है, तो ये लकीस्ट कि हमने ग्रो किया, हमने मेहनत की है, हम आगे बढ़े। मैं आपकी सिस्टर आई लव कि उस बेटी ने इतनी गुर्बत में मेहनत की है, अपनी माँ को काम करते देखना, अपने बाप को टांगा चलाते देखना और फिर भी पढ़ना, शी इज द लकीस्ट वुमन। तो आप देखिए ना आजकल के लोग जो हैं वो आजकल के बच्चे, हमने अपने बच्चों की ना खुशियाँ छीन, उनको सोने की चम्मच दे दे के